आप सुनेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देशभर के कई एटीएम से नोट नहीं निकल रहे हैं। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि बैंक का ये कहना है कि नए नोट होने की वजह से एटीएम में इस तरह की परेशानी आ रही है। दोपहर तक उन एटीएम से भी पैसे निकलने लगेंगे जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है बैंक का। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की। कल बैंकों के बाहर इस तरह की लाइनें देखी गई थी, और आज देखिए, क्योंकि आज से एटीएम चालू कर दिए गए हैं, आज से नए नोट भी एटीएम से निकल रहे हैं। कल एटीएम से सिर्फ 100-100 के नोट निकल रहे थे अगर आप सेम ब्रांच में जाते हैं तो, और आज एटीएम के बाहर ये लंबी लाइनें आप देख रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि आज से एटीएम काम करने लगेंगे, लोगों की जो कैश की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम से कम दूर होगी, कम से कम कुछ खर्च का पैसा उन्हें जरूर मिल जाएगा। सुबह 10 से अधिक का वक्त हो चुका है और ये एटीएम आप देखिए, ये क्लोज पड़ा हुआ है, यानी ये एटीएम काम नहीं कर रहा है। नोएडा रजनीगंधा चौराहे के पास ये एचडीएफसी की ब्रांच है और उसी ब्रांच के पास ये एटीएम लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप लाइन में लगे हैं, एटीएम आपने ट्राई नहीं किया? एटीएम तो ट्राई किया, इधर तो एटीएम बंद है, उधर भी बंद है, एक तो बंद है। आप लोगों ने एटीएम में ज्यादातर एटीएम बंद ही मिला है सर। सुबह कहा तो ये जा रहा था कि आज से एटीएम खुलेंगे, पैसे वहाँ से निकलेंगे। नहीं 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 खुले, ऐसा नहीं हुआ। खत्म हो गया, कल रात से खुला था, सुबह तक खत्म हो गया। क्या ये लाइन अभी बड़ी दूर तक, ये लाइन वो तस्वीर देखिए, लाइन बड़ी दूर तक जा रही है। ये सामने नोएडा सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन है और ये लाइन अब यहाँ से मुड़ गई, यानी सड़क के किनारे किनारे ये लाइन अभी दूर तक जाएगी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहाँ बैंक की लाइन में लगे हैं, एटीएम नहीं ट्राई किया आपने? जी एटीएम चालू नहीं है, पैसा नहीं है एटीएम में। सर एटीएम रात को 12 से बंद है, रात को 12 से एटीएम बंद है, मैं 4 बजे चक्कर काट गया। और कहीं नोएडा में ट्राई किया आपने? सारे एटीएम बंद है, बस कोटक का भी स्टार्ट करा उन्होंने। हाँ, बाकी सब एटीएम बंद है, कुछ एटीएम में। आप मैनेजमेंट देखिए ना, मैनेजमेंट क्या है, जब इनको पता था कि इतनी भीड़ होने वाली है, काउंटर सिम लगाए उन्होंने। आप देखिए, यहाँ पर बैंक के कुछ ऑफिशियल्स हैं और एक एक कर लोगों को अंदर लिया जा रहा है ताकि जो पैसा जिन्हें जमा कराना है या फिर जो है जिन्हें एक्सचेंज कराना है वो कम से कम जो है उन्हें सुविधा मिल सके। ये एक हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आज ये कहा जा रहा था कि एटीएम शुरू हो जाएगा, एटीएम नहीं काम कर, एटीएम चालू था, कैश खत्म हो गया। कैश कब तक पड़ जाएगा? और दोपहर तक आ जाएंगे सर। दोपहर तक आ जाएंगे, अभी दोपहर तक एटीएम शुरू होगा, लेकिन उम्मीद में इस उम्मीद में आए थे कि एटीएम से कुछ उन्हें हेल्प मिलेगी। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ देखिए एक्टिविटी तेज हुई है, हालांकि अभी तक व्यवस्था थोड़ी लचर जरूर थी, लेकिन अब व्यवस्था थोड़ी सी तेज हुई है। और साथ ही डायरेक्शन भी दिया जा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, मतलब आपको आईडी जो है उसकी फोटोकॉपी रखनी है या क्या कुछ रखना है वो जरूर यहाँ पर बताया जा रहा है। राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, नोएडा। आज 11 नवंबर है, यानी वो दिन जिस दिन नई करेंसी के साथ एटीएम बैंक्स को खुलना था। अभी इस समय हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के पास खड़े हैं जो संसद मार्ग पर स्थित है। आपको क्या बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अधिकतर एटीएम ऐसे हैं जहां पे अभी तक पैसा नहीं आया है। हम खुद इस बैंक का रियलिटी चेक करने जा रहे हैं अपने एटीएम कार्ड से, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हमें इसमें पैसा मिल पाता है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं, ये मेरा एटीएम कार्ड है और मैं इसको इस बैंक के एटीएम बूथ में डाल रहा हूं और पूरी प्रोसेसिंग हम लोग अपनाते हैं। अपनी पिन डालता हूं मैं इसमें और कोशिश करते हैं कि शायद हमें यहां से पैसा मिल जाए, क्योंकि जो लोग हैं उनको यहां पे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बैंक की जो मशीन है वो तो पिन ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप दिखाते, कैश विदड्रॉ हमने डाला है सेविंग अकाउंट में, अमाउंट में डालता हूं 1000 रुपए, देखते हैं क्या इसमें 5-5 रुपए के 2 नए नोट निकल के आते हैं या नहीं। यस, यू वांट प्रिंट वाइज? यस, देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा है कैश इज नॉट अवेलेबल, प्लीज विजिट नियर स्टेट बैंक एटीएम। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बैंक के जो एटीएम बूथ है इसमें अभी तक पैसे नहीं आए हैं। यह समस्या सिर्फ इस बूथ की नहीं, इस कनॉट प्लेस एरिया और संसद मार्ग एरिया कई ऐसे एटीएम बैंक है जहां पे लोग जा तो रहे हैं लेकिन वहां से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। 2 दिनों के बाद आज एटीएम खुलने का दिन था, लोगों को उम्मीद थी कि एटीएम खुलेंगे और तमाम एटीएम मशीन जो है फिलहाल बंद है, कहीं पर कोई भी एटीएम मशीन फिलहाल नहीं खुला। इस वक्त हम एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन जो है बंद है। जो यहाँ के लोगों से बात हुई उनका कहना है कि अभी इसमें कैश जो है वो लोड नहीं हुआ है। तकरीबन 1 दर्जन एटीएम मशीन इसी तरीके से हम घूम चुके हैं, सब जगह के लोगों का यही कहना है कि अभी कैश जो है वो लोड नहीं हुआ है, इस वजह से एटीएम मशीन जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि
बैंकों के बाहर कल जैसे हमने भीड़ देखी थी आज वैसी ही भीड़ है। 1500 की नोट बंद होने के बाद से ही लोगों में काफी ज्यादा घबराहट थी, काफी ज्यादा लोग परेशान थे, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 11 नवंबर से कम एटीएम से आपको पैसे मिलने लगेंगे। आज 11 नवंबर की सुबह है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एटीएम के सामने काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये सभी पैसे निकालना चाहते हैं, ये सभी पैसे लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन काफी संख्या में पहुंचने के बाद भी इनको यहाँ पे निराशा हाथ लगी है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सुभाष चंद्र, मैं लखनऊ से ही हूँ। यहाँ पर आप आए थे एटीएम में पैसे निकालने? जी जी। क्या बातचीत हुई आपकी? यहाँ पर एटीएम में पैसा निकल ही नहीं रहा है और जो जेब में 1000-2000 रुपए डले हुए हैं उनको बदलना चाह रहे हैं तो बदलने की स्थिति भी नहीं है, परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए आप, सिक्कों से काम चलाया जा रहा है, जो बच्चों के गुल्लक में सिक्के पड़े थे उन सिक्कों से यहाँ पर आजकल काम चल रहा है। कल हमने देखा था बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन लगी थी, घंटों के इंतजार के बाद किसी का काम हो गया तो कोई निराश होकर लौट गया, लेकिन जो निराश होकर लौट गया वो आज एटीएम से आस लगाए बैठा था, लेकिन आज एटीएम के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें हैं और हालात जस के तस हैं। आपकी परेशानी जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि काला धन इसे वापस आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, पुराने नोट हैं तो उन्हें नए में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे हम अपने बैंक में पैसे सेव कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ऐसे ही तमाम सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। इस पर मेरे सहयोगी राकेश पांडे आपको कुछ जानकारियां देंगे, जाहिर सी बात है ये जानकारियां आपके काम जरूर आएंगी राकेश। बिल्कुल रचना, आम लोगों के मन में कई ढेर सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम सीक्वेंसली एक वन बाय वन हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। नए नोट पर क्या करें क्या ना करें, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या करें। नए नोट तो हाथ में आ गए, घर में रखे पैसों को पहले इकट्ठा करें, इसके बाद 500 और 1000 के नोट को बैंक में जमा करने की तैयारी कर ले। ये बड़ा अहम है कि आप देख लें कहीं घर में किसी कोने में या फिर किसी ब्रीफकेस में कहीं 500 और 1000 का पुराना नोट ना पड़ा हो, वो इकट्ठा जरूर कर ले। छोटे नोट को रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करें, जो डिनोमिनेशन 500 से कम के हैं रोजमर्रा के काम में आप उसका इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि तब तक काम आपका उससे चले। बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट जमा कराएं, यानी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक आप जो है पैसे आप जमा कर सकते हैं, जो पुराने नोट 500 1000 के आपके पास है। 30 दिसंबर तक अगर आप पैसे जमा नहीं करा पाते हैं तो परेशान ना हो, टेंशन बिल्कुल ना ले, अगर किसी परिस्थिति की वजह से आप पैसा जमा नहीं करा सकते हैं 30 दिसंबर तक तो उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था है। 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के ब्रांच में आप पैसे जमा करा सकते हैं, सिर्फ आपको एक फॉर्म और आईडी प्रूफ वहां पर देना पड़ेगा। 10 नवंबर से 24 तक जो है वो 4000 तक के नोट आप बदल सकते हैं, यानी एक दिन की जो लिमिट तय की गई है वो 4000 की लिमिट है। 25 नवंबर से ज्यादा पैसे बदलने की सुविधा होगी, यानी धीरे धीरे ये लिमिट जो है वो एक्सीड की जाएगी, तो ये जरूर जानकारियां हैं। कुछ जरूरी बातें हैं उन पर भी आप जरूर गौर फरमाएं, वो जरूरी बातें आपको बता दें। पैसे आय से अधिक हुए तो टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा, यानी अगर आप पैसे ज्यादा जमा करते हैं, आपकी जो इनकम लिमिट है उससे ज्यादा है तो फिर आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। 1 करोड़ पर टैक्स 30 लाख और जुर्माना 60 लाख देना होगा, यानी आपके हिस्से में सिर्फ 10 लाख आएंगे। 30 दिसंबर तक बैंक ट्रांजैक्शन पर आयकर विभाग की पैनी नजर रहेगी, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर आयकर विभाग ने पैनी नजर बनाकर रखी है। शादी में अगर गिफ्ट मिलते हैं पैसे तो वो आप जमा करा सकते हैं, बस गिफ्ट कहां से मिला कैसे मिला उसका सबूत आपको देना होगा। 1 लाख से ज्यादा के नकदी गिफ्ट पर पूछताछ हो सकती है, अगर आप 1 लाख से ज्यादा का पैसा जमा करते हैं इस बात को कहकर कि गिफ्ट मिला तो उस पर पूछताछ होगी। जमीन बेचने पर मिले कैश के लिए आयकर विभाग को आपको कागजात दिखाने होंगे, अगर कोई लैंड डील आप करते हैं तो। मकान बेचने पर कागज पर लिखी रकम को ही वैध माना जाएगा, यानी जो इसके पीछे जो कैश का लेन देन होता है वो पूरी तरीके से खत्म होगा। बच्चों के गुल्लक में 2.5 लाख तक है तो परेशानी की कोई बात नहीं, अगर गुल्लक में 2.5 लाख तक जमा है तो फिर आप परेशान मत होइए, आराम से उसे जमा कर सकते हैं। जी रचना, राकेश ने अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, इन जानकारियों को आप अपने जहन में रखिए, आपकी परेशानियां पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर कम जरूर हो जाएंगे, और ये सभी कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए।